हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप में से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर CCMN काउंसलिंग के स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिग्री मैपिंग के रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आए। स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करें, डिग्री मैपिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री मैपिंग को लेकर। तो स्टूडेंट, डिग्री मैपिंग में कई तरह के डिसिप्लिन होते हैं और उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस फिलिंग मिलती है। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने अवेलेबल चॉइस आएगी। क्या आएगी? अवेलेबल चॉइस आएगी। जैसे इस स्टूडेंट के पास ये अवेलेबल चॉइस आई है, तो ये जो अवेलेबल चॉइस है वो किसके आधार पे आएगी? आपके स्कोर के आधार पे आएगी जिन स्टूडेंट से, आपकी डिग्री के आधार पे आएगी जिन स्टूडेंट से, आपके डिग्री के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आएगी। ये जो चॉइस आएगी कि आप इन इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? आपके डिग्री के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप CCMN काउंसलिंग में रजिस्टर कर लेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, तो आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आपको चॉइस मिल जाएगी। अगर आप रजिस्टर करने से पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो डिग्री का डिसिप्लिन है उससे आपका जो JM का पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी आपका जो डिग्री का डिसिप्लिन है और आपका जो JM पेपर है और आपका जो इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम है, उन तीनों की मैचिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके डिसिप्लिन, डिग्री और आपका JM पेपर है उसके थ्रू आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के इंडिविजुअल प्रोग्राम में आप चेक कर सकते हैं। जैसे NIT राउरकेला का ऑटोनमस फेयर है, उसमें मैक्सिमम सारे प्रोग्राम वाले और सारे पेपर वाले एलिजिबल होते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पर कुछ स्पेशल डिसिप्लिन वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। जैसे IIIT तिरची है, वहाँ पर सारे नॉर्मल BSc वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपना डिग्री मैपिंग कर सकते हैं। डिग्री मैपिंग का मतलब है आप डिग्री के डिसिप्लिन का मैपिंग करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके JM पेपर से आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, आपके सामने अवेलेबल चॉइस आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब रजिस्टर कर लेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, तो आपके सामने यहाँ पर आएगी अवेलेबल चॉइस। ये अवेलेबल चॉइस आ रही है ना, इसमें ये 100% श्योर नहीं है कि आप इन सभी में एलिजिबल हैं, उन सब में एलिजिबल है या नहीं है। अब आपको चेक करना होगा स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। इसके साथ स्टूडेंट, जैसे आप स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले टेप को ओपन करते हैं तो लगभग सभी इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम का स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर शो करता है। जैसे हम बात करें NIT जालंधर के MSc केमिस्ट्री के क्राइटेरिया को लेकर, तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन शो कर रखी है। एक तो आपका परसेंटेज की जो सब में होती है, दूसरा आपका केमिस्ट्री एज एक सब्जेक्ट आपके ऑल 3 ईयर या 6 सेमेस्टर होना चाहिए। अब जिन बच्चों के 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। हालांकि आपकी अवेलेबल चॉइस में तो शो करेगा, लेकिन जिन बच्चों के 4 सेमेस्टर ही है, 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री नहीं है, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसके साथ ही हम बात करें NIT जालंधर का जो फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया तो है ही, इसके साथ ही आपका फिजिक्स एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल 3 ईयर या 6 सेमेस्टर। इसके साथ ही आपका मैथमेटिक्स भी 12th में होना चाहिए। अब जिन बच्चों के फिजिक्स वालों के 12th में मैथ्स नहीं है, वो NIT जालंधर में एडमिशन नहीं ले सकते। हालांकि आपको शो तो करेगी अवेलेबल चॉइस में। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि आपका जो अवेलेबल चॉइस होती है वो आपके डिग्री के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आती है। अब जो अवेलेबल चॉइस है उनमें आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है कि आप उन सब में एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर कितने इंस्टीट्यूट में आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट्स केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए होता है कि जैसे MNIT जयपुर है, तो MNIT जयपुर में जिन बच्चों के 12th में मैथ्स नहीं है, वो बच्चे MNIT जयपुर के MSc केमिस्ट्री में एडमिशन नहीं ले सकते। हालांकि वो वारंगल, सूरतकल, राउरकेला उनमें ले सकते हैं, लेकिन जिन NITs के MSc केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 12th में मैथमेटिक्स एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसका क्राइटेरिया दे रखा है, उनमें वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करेंगे तो उनका फिर वेरिफिकेशन के टाइम पे एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एलिजिबल हैं लेकिन चॉइस में शो नहीं करा है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो अवेलेबल चॉइस है ना वो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग करेगी। अब जो अवेलेबल है उनमें से आपको छटनी करनी होगी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल हैं। हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट लगभग सभी प्रोग्राम में एलिजिबल होते हैं, जैसे BSc ऑनर्स के बच्चे हैं जिनके पास सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। इसके साथ ही जैसे NIT कलिकट है, तो उसके फिजिक्स डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास ग्रेजुएशन में कम से कम 3 सेमेस्टर मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी प्रकार MSc फिजिक्स के लिए NIT नागपुर में भी ग्रेजुएशन में स्टूडेंट के पास 4 सेमेस्टर कम से कम मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
चेक करना है। आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा। स्टूडेंट्स हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फॉरम से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है, उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है, इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी, और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा, जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। IIT JEE वाले बॉटम पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है, या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।